जी हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ 20 मिलीलीटर ऑफ 0.1 m NOH इज एडिड टू 30 मिलीलीटर ऑफ 0.2 m CH3COOH pKa की वैल्यू दे रखा है 4.74, द pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज, क्या होगा pH की वैल्यू निकालना है। ठीक है देखो pH की वैल्यू निकालना है, तो हमारा जो CH3 हमारे पास इक्वेशन देखो CH3COH प्लस NaOH ये हमें क्या देता है CH3COONa प्लस H2O। ठीक है तो इनिशियली ये हमारा कितना है 6 मोल्स और ये कितना है 2, ये तो 6 मिलीमोल्स है, ये 2 मोल्स दिए नहीं है, और फाइनली हमारा ये क्या हो जाएगा 4, 6 माइनस 2, 4, ये कितना निगलेक्ट हो जाएगा, ये 2 और ये 2 यूज़ करेगा। ठीक है तो ये हमारा फॉर्मेशन कितना 2, 2 की फॉर्मेशन हो रहा है ये हमारा। अब यहाँ से हम pH निकाल सकते हैं, अब देखो pH निकालेंगे तो हमारा देखो अकॉर्डिंग टू है, ठीक है तो pH इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा pKa प्लस log CH3 salt CONa, ठीक है अपॉन में क्या CH3 एच एसिड का कंसंट्रेशन। ठीक है एक ये फॉर्मूला है, ठीक है तो ये हमारा रिलेशन होता है, इससे हम क्या करेंगे अब pH की वैल्यू निकालेंगे। तो अब यहाँ से देखो जो हमारा pH इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हमारा pK की वैल्यू दे रखा है 4.74 प्लस log और इसकी कंसंट्रेशन कितना दे रखा है 2 और इसका दे रखा है 4, तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा 4.74 प्लस log यह कितना हो जाएगा हाफ। ठीक है तो अब यहाँ से 4 pH की वैल्यू कितना आ जाएगा, अब pH की वैल्यू कितना आ जाएगा 4.7, ठीक है माइनस log 2, यानी कि pH इज इक्वल टू 4.75 माइनस Ka कितना आ गया 0.3, यानी कि ये कितना आ गया 4.44, यानी pH की वैल्यू कितना आ गया 4.44। ठीक है ये हमें निकालना था, हम pH की वैल्यू निकालना था। अगर मैं आंसर चेक करता हूँ तो कौन से ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, ये मैच करता है A के साथ, तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं,